दोस्तों बिग बॉस में आप जानते ही है स्मोक करना अलाउड है, लेकिन बिग बॉस के घर में यूं ही सब लोग स्मोक नहीं करते, उसके लिए बनाया गया है एक स्मोकिंग रूम। जी हाँ, इस बार यानी बिग बॉस 15 आप कह सकते हैं, बिग बॉस OTT आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी बिग बॉस स्मोकिंग रूम बनाया गया है। क्या आप जानते हैं बिग बॉस स्मोकिंग रूम में क्या होता है, क्या रखा गया है इस बार? दूसरे बार से कुछ अलग है इस बार का स्मोकिंग रूम, क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल्स में। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों बिग बॉस में स्मोक करने के लिए अलग सा जगह देते हैं बिग बॉस, और एक छोटा रूम बना देते हैं और सामने एक पर्दा डाल देते हैं, और बिग बॉस का स्मोकिंग रूम बहुत ही छोटा होता है जहाँ पर एक टाइम पे एक आदमी जाकर बैठ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ ये रूल भी है कि एक साथ एक से ज्यादा दो कॉन्टेस्टेंट वहां पर नहीं रह सकते हैं। तो इस बार जो स्मोकिंग रूम बनाया गया है वो भी गार्डन एरिया में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हर बार स्मोकिंग रूम गार्डन एरिया में ही बनता है और इस बार भी गार्डन एरिया में ही बनाया गया है। लेकिन दोस्तों इस बार स्मोकिंग रूम के अंदर कुछ बदलाव लाया गया है, मैं बताता हूँ क्या बदलाव। पहले डिटेल जान लेते हैं स्मोकिंग रूम में क्या क्या है। दोस्तों वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सब लोग अपना सिगरेट रख देते हैं, और ये जो सिगरेट होता है, सिगरेट हर एक ब्रांड का होता है, और ये जो सिगरेट का सप्लाई है ये बिग बॉस खुद ही करते हैं। और जहाँ पर सिगरेट रखा गया है उसके पास ही एक छोटा विंडो है, वहाँ से बिग बॉस की जो क्रू है, क्रू मेंबर, उस विंडो से सिगरेट का पैकेट वहाँ पर रख देते हैं, भरा हुआ पैकेट, अगर किसी का सिगरेट का पैकेट खत्म हो जाए तो। और वो जो छोटा घर है, वो छोटा घर में अगर सिगरेट पीते हैं सब लोग तो धुएं से घर फट जाएगा, तो इसलिए बिग बॉस ने वहां पर लगा के रखा है एक एग्जॉस्ट फैन। लेकिन वो एग्जॉस्ट फैन थोड़ा लो पावर के होते हैं, क्योंकि हाई पावर का अगर एग्जॉस्ट फैन वहां पर दिया जाए तो बहुत नॉइज होगा, और उस नॉइज से अगर कॉन्टेस्टेंट कुछ बात करना चाहे या फिर कॉन्टेस्टेंट की बात करते वक्त उस आवाज में दिक्कत आ सकता है। इसके साथ साथ वहां पर एक ट्रे रखा गया है, एश ट्रे, जो रेत से भरा एक बकेट जैसा है, वहां पर सब लोग सिगरेट का एश डालते हैं, और सिगरेट का जो फिल्टर वाला हिस्सा होता है वो भी उस ट्रे का है या फिर बकेट का है वहां पर डालते हैं। तो दोस्तों दूसरी बार से इस बार अलग क्या है? दोस्तों दूसरे सीजन में वहां पर एक हेयर ड्रायर रखा जाता था। जी हाँ, क्योंकि घर में अगर कोई हेयर ड्रायर यूज करके ड्राई करते तो माइक वो जो हेयर ड्रायर का साउंड है, हाई नॉइज का साउंड होता है, कैच कर लेता है। लेकिन हेयर ड्रायर स्मोकिंग रूम में रखने के कारण वहां से जो आवाज निकलेगा वो आवाज दूसरे कॉन्डिशन के माइक में कैच नहीं होगा। लेकिन इस बार वहां पर हेयर ड्रायर रखा नहीं गया है, उसकी जगह पर बिग बॉस मुआयना करवाए हैं लो नॉइज वाला हेयर ड्रायर, जो कि नॉर्मली सब लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्मोकिंग रूम के डिटेल के बारे में क्या आपको पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।